तो भाई देखो अपनी दोनों बाइकों का जो एकदम जान से ज़्यादा प्यारी है, उन बाइकों का हाल देखो क्या हो रहा है। ये देख रहे हो फुल मट्टी, देख रहे हो खड़े खड़े इसकी बैंड बच चुकी है, साथ में हमारी खुशी, ये देख सकते हो खड़े खड़े क्या हाल हो गया इसका। तो अभी क्या मुझे इसे लेके निकलना है, तो मैंने कवर हटाया, कवर मार डाले दूसरे स्प्लेंडर पर, और हालत देख रहे हो ओए एकदम ऐसा हो रहा है मामला लबझब। तो फटाफट से इसको निकालते हैं, खाली इसको और निकाल के साफ करते हैं और लेके चलते हैं फटाफट से कहाँ मार्केट, क्योंकि मेरे को लेना है स्प्रिंग। तो इसके बारे में आगे बताता हूँ आपको मैं, स्टे ट्यून। हाय कैफे, तो भाई मीट माय कैफे, मीट माय शोनी एंड मीट माय खुशी एंड वो खड़ी अपनी राइनो। तो भाई अभी का सीन ये है कि बाइक आपने देखी थी कितनी गंदी उड़ती, मैंने फटाफट आधी बाल्टी ली और धपा धप पेल मारा, ठीक है। तो बाइक जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से एक मार्केट जो कि रहने वाली है मदनगीर में, यानी कि दक्षिणपुरी मार्केट, और वहाँ जा रहे हैं हम अपनी कैफ़े के लिए। जो कैफ़े की जो स्प्रिंग होती है ना किक की, वो टूट गई है, तो इस वजह से वो यहाँ तो मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि कंपनी पता करते हैं, तो कंपनी में मैंने फ़ोन करवाया, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी जो स्प्रिंग होती है वो नहीं मिल रही है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, तुम्हारा भाई बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जहर। अभी सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ शरद की दुकान पे, वहाँ पता करेंगे इसका जो मेरी कैफे रेसर की जो किक की स्प्रिंग टूट गई है उसका एक्चुअली नाम क्या होता है, किक की स्प्रिंग बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, वो उससे पता करेंगे। और उसके बाद जाएंगे मदनगिर मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि भाई सीन ये है कि अपनी कैफे रेसर की किक मारी है, उसकी स्प्रिंग टूट चुकी है और यहाँ नहीं मिल रही है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है मार्केट। तो चलो पहले मिलते हैं शरद की दुकान पर, उससे पता करते हैं नाम वाम, मतलब शिव उस्ताद जी दुकान पर, और उसके बाद फिर मिलते हैं आगे। शरद उस्ताद जी वो मुझे नाम बता दे किक की स्प्रिंग का नाम, इसे बोल देना किक की रैचेट का स्प्रिंग दे दे। किक रैचेट स्प्रिंग, चल ठीक है मेरे भाई मैं लेके आ रहा हूँ। अच्छा वो एक ही होता है, चलो ठीक है आता हूँ मैं लेके। हैं ठीक, बोल देना किक वाली है, मेरी सेल्फ वाली है। ठीक। हेलो, सो गाइस सीन ये है कि अपनी जो किक की रैचेट की जो स्प्रिंग बताई शरद ने वो ले लेते हैं। तो भाई हमें नाम पता चल चुका है और हम जा रहे हैं अब मार्केट, और अपनी खुशी कर रही है बढ़िया परफॉर्म एकदम मक्खन। बस ये है कि अब इसकी कुछ दिनों में सर्विस कराने वाला हूँ, अगर राइड पे ये जाती है तो मैं इसकी सर्विस करा के जाऊँगा, वरना फिर ये खड़ी रहेगी फॉर एक्सट्रीम राइड, क्योंकि एक्सट्रीम राइड तो बाबा इसी पे करने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए बाइक में कुछ हो जाए वहीं खड़ी कर जाऊँगा, लेकिन लेके सही जाऊँगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और बाकी देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। अब मुझे मीटर खुद दिखाई दे रहा है यार, मेरे को भी दिखाई दे रहा है, पहले मुझे 50 के बाद दिखता था, 50 से ऊपर जाती थी तब कांटा दिखता था थोड़ा सा कि हाँ भाई 50 से ऊपर चल रही है, बट अब तो 30 भी चलेगी तो भी दिखेगा बाबा। और पिछली वीडियो को आपने प्यार नहीं दिया मुझे भाई, सही बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो गया था, मैंने कहा यार मेरी ऑडियंस कैसी है कि मतलब कि रेस वाली वीडियो देख ही नहीं रही है ऑफ रोड वाली, अब मैं क्या करूं बताओ यार, कुछ ना कुछ जब कहीं जाता हूं वहां पे कुछ दिखता है तो शूट करता हूं। आप लोगों को देखनी चाहिए वीडियोस यार, क्यों नहीं देखते हो भाई, सब अपने मतलब की वीडियो देखोगे क्या, कि हमारे मतलब की होगी तभी देखेंगे वरना देखेंगे नहीं, गलत है यार, प्यार कर रहे हो ढंग से करो ना भाई। चैनल तुमने सब्सक्राइब किया है अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ना, तो भाई सब क्या करो ना, सब सारी वीडियो में कुछ ना कुछ मज़ा होता है यार, हर चीज़ का मज़ा लिया करो, एक ही चीज़ का मज़ा मत लिया करो यार। ओए होए 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 होए, ये ब्रेकर और यहाँ पे तुम्हारा भाई, ये कभी भी ब्रेकर आ रहा हो और आप तेज स्पीड पे हो तो भाई बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ, अगर बैलेंस तुम्हारा अच्छा है तो खड़े मतलब बैलेंस हो तभी खड़े हो ना, वरना बस चले भाई तुम कहाँ बाइक कहाँ। ओ रेड लाइट पे ट्रैफिक, क्या बात है गुरु। तो चलो भाई मारते जमकट, क्या हाल है भाई, बढ़िया भाई बढ़िया भाई, साइड में लगा लो, चलते चलते बात मत करो।
भाई अपने सब्सक्राइबर भाई मिल गए, पीछे से हॉर्न पे हॉर्न बज रहे, मैं कह रहा कोई है, कोई है। क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया। थैंक यू भाई, मेरे को पता चल गया आपने हॉर्न वॉर्न दे रहे थे ना, मुझे समझ में आ गया कोई ना कोई है। और भाई बाइक से पहचान लिया होगा डब्बे से है? तो भाई अपने टॉप बॉक्स से भाई ने पहचान लिया। और भाई सब बढ़िया चल रहा है? सही लगती है वीडियोस? सही लगती है वीडियोस? ओके, तो आप काम पे हो गए अभी अपने हैं? अपने आप काम पे जा रहे हो जॉब वॉब पे? अच्छा चलो सही है यार, सही है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा मुझे मिलकर आपसे बहुत ज़्यादा। मैं कालका जी रहता हूँ, लेकिन मैं भी मदनगिर जा रहा हूँ किसी काम से। मनीष की दुकान गोविंदपुरी रोड पे भाई, पूजा मसाला है वहीं पे, ठीक है ना? आ जाना वहाँ पे है। ये लाइट 1000 रुपये की है भाई। हाँ, 1000-1300 रुपये का भी आता है, 600 का भी आता है अलग। मैंने 300 का लगाया हुआ है। हाँ चलो ठीक है मेरे भाई, ओके थैंक यू। हाँ हाँ, मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना, आज हो आप पिक्चर में। तो भाई भाई मिल गया था अपना। अभी सीन ये है कि मेरे को ना मदनगिरी जाना, तो भाई ने टॉप बॉक्स से पहचान लिया मुझे, वो हॉर्न हॉर्न दे जा रहा, मैं कह रहा कोई है, तब मैंने शीशे में देखा तो हाथ दिखाया, मैंने कहा अच्छा रुक रहा हूँ भाई, साइड में लगाओ। भाई देखो कैफे रेसर में आ गई है दिक्कत, अगर कमेंट्स अच्छे आएंगे उसके लिए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कि भाई कौन सी स्प्रिंग थी, और वो स्प्रिंग टूट जाए तो आपको डलवानी है। अब देखो मैं बताऊँ, जितनी भी किक वाली गाड़ी होती है ना, तो ये तो मुझे पता चल गया कि जितनी किक वाली गाड़ी होती है उसमें अगर ज़ोर से किक मारेंगे, ज़्यादा किक मारेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी स्प्रिंग टूट जाएगी, जिससे क्या हो रहा है कि गाड़ी जब तुम्हारी स्टार्ट होगी ना तो वो लटकी रह जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना, कि भाई किक मारने के बाद जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो किक ऐसी होती है मर गई जैसे कि टांग टूट जाती है, हड्डी उड्डी टूट जाती है, जैसे लटक जाती है, समझ लो ऐसी लटक जाती है। किक को देख के ना हंसी भी बहुत आ रही है ना, तो किक जो है ना बहुत लटकी, बड़ी बुरी सी लग रही है, ऊपर से आवाज़ कर रही है कर रहे। तो मैंने कहा यार स्प्रिंग डलवाया जाए इसका, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट तो है नहीं वो, है ना। तो इस वजह से अब जो है यहाँ से लेंगे हम राइट, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा काफ़ी ट्रैफिक का सामना। भाई साहब चढ़ा मत देना ट्रक हमारे ऊपर, ओए 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 चढ़ा ही रहा है तो मैं कह रहा है तो चढ़ा मत देना, वो चढ़ा ही रहा है। मदनगिर मार्केट आ गई भाई साहब। चलो अंकल जी नीचे वीचे मत देखो। तो टॉप बॉक्स लगाने का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कि मेरे को बहुत बार ना बंदे मिल चुके हैं मेरी इम्पल्स पे और इस पे स्प्लेंडर पे, टॉप बॉक्स पे लिखा होता है नाम तो बंदा ईजिली पहचान लेता है कि हाँ भाई ये भाई जा रहे हैं। एक बार तो मेरी बाइक ना एक भाई लेके जा रहा था, उसको पीछे से हॉर्न टे 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 टे, जब उसने हेलमेट खोला शीशा काला था, तो वो बंदा कह रहा अरे भाई दानिश भाई कहें, वो कह रहा भाई मैं उनकी बाइक लेके आया हूँ खाली वो लड़का मुझे बता रहा था जो लेके गया था ना बाइक, वो बता रहा कह रहा भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा अच्छा जी, कह रहा जब तक मैंने शीशा नहीं खोला उसे लग रहा था कि दानिश भाई है, जैसे शीशा खोला वो कह रहा अरे दानिश भाई कहें। तो चलो भाई बातें बहुत हो गई, फटाफट से काम की चीज़ ले लें यहाँ से, बस मिल जाए पहले यार। कितनी सारी स्प्लेंडर खड़ी है यहाँ पे बिकाऊ, क्या बात है भाई। कभी भी किसी भी डीलर से आप बाइक लोगे, अगर आपको नॉलेज है तो खुद ले लो, अगर नहीं नॉलेज है तो किसी मैकेनिक को पकड़ो और उसको लेके जाके अपनी स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग 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 इस पर मिल जाएगी ना स्प्रिंग। नहीं भाई इन पर काम है भाई साहब, स्प्लेंडर किक वाली है, उसकी स्प्रिंग चाहिए किक की, रैचिड स्प्रिंग क्या बोलते हैं, नहीं मिलेगी। अब क्या करें भाई, यहाँ तो है नहीं, चलो कहीं और ढूंढते हैं किक रैचिड। अरे आप मकैनिक काम करते हो ना भाई, जो स्प्लेंडर वो होती है किक वाली पुराने ज़माने वाली, मतलब जिसमें सेल्फ नहीं होता, उसकी किक की स्प्रिंग होती है रैचिड स्प्रिंग बोलते, क्या बोलते हैं, कहाँ मिलेगी यार वो यहाँ पे? यहाँ से लेफ्ट जाऊँ? अच्छा वैसे एक दो दुकान यहाँ यहाँ ही पता कर लेता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे बंदे मुझे देख रहे हैं ऐसे यहाँ पे कि स्प्लेंडर पे बंदा लगा हुआ है मोटो व्लॉग करने, एक बार पता करते हैं यहाँ पे भी, क्या पता मिल जाए। अंकल स्प्लेंडर की रैचेट की स्प्रिंग चाहिए किक वाली जो होती है ना पीछे, नहीं मिलेगी? स्प्रिंग है क्या? नहीं है, नहीं है, बगल में मिल सकती है। अरे यार भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, यहाँ भी नहीं मिलेगी, यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं यार, यहाँ का वो का बंदा जो देता है माल वाल। किक की रैचेट की स्प्रिंग मिल जाएगी क्या? कहाँ है लेकिन, दिख तो रहा नहीं। भैया
स्प्लेंडर की किक की रैचेट की स्प्रिंग मिल जाएगी क्या? नहीं भाई साहब, मैंने आपको कहा ना कि हमारे वहाँ भी नहीं मिल रही, मुझे लगा था यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी नहीं मिल रही है यार, दिमाग ख़राब हो रहा है। अब चलते हैं ओम वाले पे, जो मेरे को बता रहा है वो पीछे वाले दुकान वाला भाई। चलो देखते हैं किक की रैचेट की स्प्रिंग। यार अच्छी स्प्रिंग टूट गई यार मेरी, तो पता है दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मुझे तो लगा था यहाँ मिल जाएगी, अच्छी खासी मार्केट है, बड़ी है। चलो कोई बात नहीं, होप फॉर दी बेस्ट, जैसा भी है देखा जाएगा। तो भाई अब जो है ना, थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो मटेरियल, इसलिए मैं थोड़ा सा जिम कट मारता हूँ, ठीक है? भाई किक की रैचेट की स्प्रिंग चाहिए, कहाँ मिलेगी? स्प्लेंडर की चाहिए, पुराने वाली गाड़ी स्प्लेंडर की। हाँ भाई कैमरा है राजू। भाई यहाँ पर राजू तो कौन सी राजू? राजू राजू मैकेनिक जो है, नहीं एक्सेसरीज जो सामान में था स्पेयर पार्ट वगैरह। हाँ वो राजवीर कहाँ है? हाँ ये रहा ना, काफी अंदर है भाई मामला, एक बार पता कर लेते हैं यहाँ पे भी। भाई साहब स्प्लेंडर 2007 मॉडल बिना सेल्फ वाली बाइक है, उसकी किक की रैचेट की स्प्रिंग चाहिए। हाँ पुरानी वाली स्प्लेंडर, वो किक मारने पे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्प्रिंग लटक, किक ना लटकी रह जा रही है ऐसे, उसकी स्प्रिंग स्प्रिंग टूट गई है। हाँ दे दो भाई, कितने की है? ओरिजिनल लेना भाई। तो भाई फाइनली यहाँ मिल चुकी है मुझे, ठीक है ना, क्या बात है। ओए ओए क्या चला रहा है लड़का, ओ माय गॉड, बंदा पूरा झुक के, ये ज़िगज़ैग, क्या बात है भाई क्या बात है। 200 NS क्या हो रहा है बाबा, पता करो। चलाने दो भैया को पहले यहीं पे ना, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा तो लात लगा दूंगा, क्योंकि पेट्रोल पंप तो मुझे भी जाना है, ठीक है ना। पाइप तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर पंचर हो गया होगा तो भी आगे छोड़ नहीं सकता, अगर मैकेनिक पे जाना होगा तो शिव उस्ताद जी आ जाओ। अंकल जी क्या हुआ अंकल, व्हाट हैपन? अरे हैं पंचर हो गई, फिर तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, मुझे लगा पेट्रोल ख़त्म होगा, तो भाई पंचर हो गया है। अब मैंने कहा पंचर हो गया तो क्या कर सकते हैं ना भाई, मैंने पहले बोल दिया तुम्हारे पंचर होगा तो कुछ नहीं कर सकता मैं, और अगर इंजन ख़राब है तो शिव उस्ताद जी वहाँ पर ले जाऊँगा, पेट्रोल ख़त्म है तो पेट्रोल पर ले जाऊँगा। तो भाई चलो।